नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आकाश पांडे सुरसंध्या के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारा ये सुरसंध्या कार्यक्रम प्रति सप्ताह आपके समक्ष विभिन्न गायक, गायिकाओं और संगीतकारों को लाता रहता है, साथ में आपका मनोरंजन भी कराता रहता है। दर्शकों, 18 जनवरी 1969, आज के दिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के फाउंडर हमारे ब्रह्मा बाबा अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त हुए थे। आज का दिन हमारा पूरा ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का परिवार अव्यक्त दिवस के रूप में मनाता है। ब्रह्मा बाबा की याद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुलाकात करते हैं हमारे आज के गेस्ट बीके रमेश भाई जी से, जिन्होंने 13 साल की उम्र से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का सानिध्य प्राप्त किया। आज हम बात करेंगे उनके क्या अनुभव थे और ब्रह्मा बाबा के प्रेम के कुछ गाने उनसे सुनेंगे। आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार रमेश भाई जी। नमस्कार आकाश भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं। अव्यक्त दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बधाई हो। भाई जी, जैसा कि कहा जाता है कि ये अव्यक्त दिवस 18 जनवरी आज के दिन मौन रहने का बहुत ही बड़ा प्रावधान है। इस मौन रहने की क्या विशेषता है, या इस पूरे 18 जनवरी को ही लोग ज़्यादा मौन रहने को क्यों कहते हैं? आज का जो दिन है ये विश्व के लिए एक ऐतिहासिक घटना है, जिसको हम कहेंगे मानव जाति का संपूर्ण रूप से विकसित की ओर। जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लखराज थे, तो उनके तन में जब परमात्मा प्रवेश किए और जब इन्होंने सृष्टि परिवर्तन की, बहुत सारी बातें बताई, उसी अनुसार आज लाखों लाखों मानव जन चल पड़े हैं उनके कदम पर सृष्टि परिवर्तन करने के लिए। और ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा जो ज्ञान सुनाए मानव से देवता बनने के लिए, सबसे पहले ब्रह्मा बाबा वो अपने चलन से, कर्म से करके दिखाए। और लंबा पुरुषार्थ के बाद फिर उन्होंने अपने पुराने तन को त्याग दिए और अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, जो पूरे 5000 साल में इस सृष्टि में पहला मानव संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त किया। तो उस दिन ब्रह्मा बाबा अपने पुराने तन को छोड़कर नए तन, प्रकाशमय उजाला वाला फरिश्ता स्वरूप धारण किए। इसलिए आज के दिन हम मौन रह गए, इसको संपूर्ण रूप से जितना आप साइलेंस रहेंगे उसको अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए मौन रखा था। और जैसा कि आपने 8000 से भी ज्यादा गाने लिखे हैं और 300 से ज्यादा लगभग गाने अपनी आवाज में गाए हैं, तो आज 18 जनवरी के लिए ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए आप कौन सा गाना हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं? देखिए, आज ये जो अव्यक्त दिवस है, ब्रह्मा बाबा जो साकार में, माना प्रैक्टिकल में, देखिए ये एक साकार सृष्टि है, जो हम मूवमेंट लेते हैं, बोलते हैं, साउंड, आवाज, ये साकार है। और एक आकार जो फरिश्तों की दुनिया है, सिर्फ सृष्टि के अंत में संगम युग में ये चीज होता है। तो वो फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करने के लिए मौन तो रखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद निराकार जो परमात्मा, साकार, आकार, निराकार, ये तीनों चीजों का अनुभव करने के लिए जो संगम युग में परमात्मा ने ये महान कार्य किया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, इसलिए साकार, आकार और निराकार, इसको हम कहते हैं अव्यक्त मिलन। जब परमात्मा आकार में आके फिर साकार में हमसे मिलते हैं, मतलब परमधाम से आते जी, हैं जी, जी। तारों की दुनिया से, फिर वो सूक्ष्म तन जो ब्रह्मा बाबा का, उनको धारण करके जब ये साकार सृष्टि में, स्थूल में आते हैं, तब हम अव्यक्त मिलन उन्हें मनाते हैं, क्योंकि उन्हें देखते तो नहीं, दिखाई तो देते नहीं वो, तो उसको एहसास किया जा सकता है जैसे वायु को। इसी तरीके से परमात्मा के प्यार को एहसास करने के लिए हम अव्यक्त मिलन मनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े कार्य किए हैं, उनके द्वारा जब अव्यक्त मिलन हम मनाते हैं, तो उस भाव को मैंने लिखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी है ही नहीं। अब ब्रह्मा बाबा के बाद गुलजर दादी के तन में शिव बाबा का आना हुआ ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, तो ये सारी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इन अनुभव को लेके हमने लिखा अव्यक्त में भी अव्यक्त मिलन हो रहा है, उस गाने को प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दर्शकों, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त मिलन को अनुभव करते हैं और इस गाने को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। Mm-hmm. Mm-hmm.
अव्यक्त मिलन ये कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अव्यक्त मिलन ये कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। साकार और निराकार संग अनुभव न्यारा है, अनुभव न्यारा है। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन ये कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। बाबा साथ के एहसास से मन मगन हो जाता है। बाबा साथ के एहसास से मन मगन हो जाता है। संगम युग में बाबा संग दिल बेहद सुख पाता है। बनाने फरिश्ता बाबा ने हमको पुकारा है, हमको पुकारा है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। विदेही बन बाबा अपने जैसा, वो हमको बना रहे हैं। विदेही बन बाबा अपने जैसा, वो हमको बना रहे हैं। संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनाने हमें, श्रृंगार कर रहे हैं। शक्तियों से सजाने बाबा हमको निहारा है, हमको निहारा है। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन ये कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अव्यक्त में अव्यक्त मिलन ये कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, कितना प्यारा कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। अव्यक्त में या व्यक्त मिलन कितना प्यारा है, परमात्मा की याद आ गई भाई जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कदम कदम पर हम बच्चों को जो परमात्मा की शक्तियों की मदद की एहसास कराया, तो जरूर हम ब्रह्मा बाबा को देखते ही कौन याद आता है, परमात्मा। परमात्मा
भाई जी, जैसा कि आपने बताया था कि ब्रह्मा बाबा ने बहुत ही तपस्या की थी, तब जाके जो जगत पिता हैं वो उनके तन में आए थे। उस तपस्या का थोड़ा वर्णन कीजिए। बाबा ने बहुत भक्ति की जब इनके तन में परमात्मा नहीं आए थे। ब्रह्मा ने अखूट अखंड भक्ति की। 12-12 गुरु थे इनके और भक्ति में कोई कमी नहीं थी और उनको साक्षात भगवान मानते थे। लेकिन फिर भी मन में एक विचार था कि मुझे जो पाना था वो नहीं मिला है। लेकिन उनकी इतनी तपस्या थी बचपन से लेके, उनके हृदय में इतनी कमलता थी और इतना श्रेष्ठ थे वो, उनके आचरण, जीवन, संसार, उनके गांव में बचपन में सभी उनको कहते थे ये तो अलग ही है। तो जब इनके तन में परमात्मा प्रवेश किए और उनको साक्षात्कार हुआ नई दुनिया की और पुरानी दुनिया की, कि ये दुनिया विनाश होके अर्थात परिवर्तन होने वाली है, तब उनको यकीन हो गया अभी नई दुनिया आने वाली है। और उन्होंने भयंकर रूप से त्याग तपस्या, भयंकर, आप जो हम कहते हैं अब मेरा मेरा करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक शब्द में सब कुछ तेरा परमात्मा को दे दिया निमित्त होके। और वो तपस्या जो उन्होंने शुरू की, आज ये विशाल वृक्ष, लाखों जन तपस्या कर रहे हैं उनकी तपस्या के आधार पर। ये ऐसी तपस्या थी ब्रह्मा की। और इस तपस्या को याद करते हैं, इस तपस्या की हर उस जगह फीलिंग्स है, वाइब्रेशंस है, जहां जहां ब्रह्मा बाबा गए थे। मैं बताऊं, पूरे विश्व में जहां जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ब्रांचेस है, वहां के भाई बहने आज के दिन तपस्या में लगन में मगन हो जाते हैं। जैसे आपने पहले ही कहा था मौन रखने की बातें, तो सचमुच उस साकार आकार और निराकार का संपूर्ण अनुभव करने के लिए, उसे प्राप्ति को एहसास पूरा प्रैक्टिकल में लाने के लिए ये तपस्या आज के दिन खास करते हैं। और कहा जाता है कि ये पूरा मास ही अव्यक्त मास कहलाता है जी। इस पूरे मास की तपस्या का फल, इस पूरे मास के किए गए योग का फल, अच्छे कर्मों का फल कितना ही अधिक मिलता है। क्योंकि जितना हम तपस्या करते हैं, जैसे मंदिरों में जाते हैं तो एक सोमवार को जाओ तो खास दिन होता है, ऐसे त्योहार भी मनाते हैं कोई खास दिन होता है, रोज तो नहीं मना सकते जी। तो ब्रह्मा बाबा जब 18 जनवरी, ये जो जनवरी महीना है, इनमें जो उन्होंने तपस्या करके संपूर्णता को प्राप्त की, मतलब ये ब्राह्मण बच्चों के लिए, उनके लिए हो गया कि ये खास दिन, एक कहेंगे त्योहारों का दिन है। क्योंकि फरिश्ता बनना, उस तिथि को प्राप्त करना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना जो ब्रह्मा ने किया, अगर हम भी उनके कदम को फॉलो करते हैं तो हमें भी वो प्राप्ति होगी, वो स्वरूप। तो उनके कदमों को, उनके स्वरूप को फॉलो करते करते आप कौन सा अगला गाना आपने लिखा है? ये तो मैंने नहीं लिखा, ये अच्छा। लिखा है रविंद्र चौधरी। अच्छा, बहुत अच्छा लिखे हैं। और कि साकार में तो चले गए आप, लेकिन अव्यक्त में आ जाओ। क्या बात है, अव्यक्त माना हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन एहसास करा जाओ कि आप हमारे पास हो और कोई संदेश, कोई मैसेज सुना दो। उन्होंने जब ये गाना लिख के भेजा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने 2 ही दिन के अंदर फिर उसको कंपोजिंग करने के लिए भेज दिया और वो बन के भी आ गया है। अब ये भी लिखा हुआ है और ये कंपोजिंग हमारे सुधीर पाल जी ने, और इसका अरेंजर जो है आशीष रथ ने। तो आइए इस गाने को सुनते हैं। तो आइए दर्शकों, इस गाने को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। साकार से तो चले गए, साकार से तो चले गए, अव्यक्त में आ जाओ प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा, कोई संदेश सुना जाओ, कोई संदेश सुना जाओ,
कोई संदेश सुना जाओ। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा। सम्मान दे करके सम्मान में ला दिया भागीरथ ब्रह्मा बाबा, प्रभु से दिखाने आ जाओ, फिर राह दिखाने आ जाओ, फिर राह दिखाने आ जाओ। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा। वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर है सदा हमारे, भव सागर से नैया कर दी है अब किनारे। वरदानी हाथ तुम्हारे सिर पर है सदा हमारे, भव सागर से नैया कर दी है अब किनारे। ओ आदि पिता ब्रह्मा बाबा, सांसों में अब समा जाओ, सांसों में अब समा जाओ, सांसों में अब समा जाओ। ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा। हकीकत कहें तो प्रजापिता ब्रह्मा, आपकी यहाँ बहुत कमी खलती है। एक कुछ वक्त पहले मैंने गाना सुना था कि बाबा तुझे पुकारे ये बगिया तुम्हारी, बहुत ही अच्छा गाना था, दिल को छू गया था। और आज भी पांडव भवन कहो, ज्ञान सरोवर कहो या शांतिवन कहो, जहाँ जहाँ प्रभु के बच्चे हैं वहाँ वहाँ प्रभु का स्मरण हमारे साथ है। क्योंकि आज के दिन हम खास याद करते हैं चारों धाम का तीर्थ यात्रा, जिसे हम कहते हैं ना, तीर्थ यात्रा करने से क्या होता है, पुण्य मिलता है। लेकिन ये तीर्थ यात्रा आत्मा को पावन बनाती है। और आबू एक ऐसा स्थान है
जो परमात्मा का अवतरण भूमि है और उस भूमि पर इतना महान कर्तव्य हुआ है। आज सिर्फ भारत देश नहीं, पूरे विश्व, पूरे सृष्टि, सारी आत्माएं इस जगह पर आने के लिए तरस रहे हैं, कदम रखने के लिए, क्योंकि भगवान आकर चले गए, माने जाने का समय हो गया है पूरा, समझ लो एक प्रकार की। तो उस स्थान पर जो उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने जो तपस्या की है, जैसे आपने कहा कि कमी महसूस हो रही है, सचमुच काश हम भी वो साकार पालना अनुभव करते और ब्रह्मा बाबा को अपनी नैनों से निहारते साकार, और वो टोली खाना, वो प्यार पुचकार, वो सब साकार में अगर एहसास फिर से हो जाए तो कमाल हो जाए। आप जो बोल रहे हैं, बोलने की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बाबा अनुभव चाह रहे हैं, और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस पृथ्वी का परिवर्तन हो, ताकि मैं, आप या हमारी जैसी कितनी ही ऐसी आत्माओं का इनसे वापस मिलन हो सके। क्योंकि सतयुग में जो नई दुनिया आने वाली है परिवर्तन के बाद, वहाँ ब्रह्मा व कृष्ण के रूप में, जो प्रैक्टिकल में हमारी दादी दीदियों ने साक्षात्कार किया, अनुभव किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना आप कह रहे हैं, ना और कोई कह रहा है, स्वयं भगवान की ये आवाज़ है, ये भगवान के बोल है। एक गाना लिखा था मैंने बहुत पहले कि मैंने देखा है इन आंखों से भगवान को बोलते हुए, जब हमारे गुलजर दादी जी के तन में अव्यक्त मिलन, जो अभी हम बार बार कह रहे हैं ना, अव्यक्त मिलन, कि बाबा किसी ना किसी रथ को चाहिए जो परमात्मा को अवतरण होने के लिए, लेकिन वो भी समय अभी पूरा हो चुका है। तो कहने की बात है, वो जो अव्यक्त मिलन का एहसास, अनुभव सचमुच दिलों में एक झंकार खुशी की पैदा करती है, जितना आप जो सतयुग में प्राप्त नहीं कर सकते, वो इस संगम में प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सभी की आश है कि फिर से उस नई दुनिया में चले, ब्रह्मावा से मिलने, कृष्ण के रूप में हम सब देवी देवताएं होंगे, साथ में रहेंगे, कितना अच्छा होगा। और इस साथ का अनुभव करते हुए आप हमारे दर्शकों को कौन सा अगला गाना? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमें जो सिखा के गए कि मुझे याद नहीं करो, ना मेरे चरण को छुओ, लेकिन सिर्फ अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, क्योंकि ये परमात्मा ने जो कहा ब्रह्मा बाबा ने वही कहा, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी पैर छुओ, या और कुछ करो, या मुझे याद करो, तुम्हारा कुछ भलाई हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम जैसे हो, मानव तन में हो आत्माएं, मैं वैसे ही मानव हूं, मुझे नहीं याद करना, कभी याद एक परम पिता परमात्मा निराकार को याद करना है तो आप पावन बन जाओगे। तो आज के जो गाना हम दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं कि उनकी यादों से क्या मिलता है, सुकून मिलेगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, दुखों में भटक रही है, तो इस दुखों से मुक्त पाने के लिए, दिल में सुकून भरने के लिए इस गाने को सुनते हैं। तो आइए दर्शकों, इन सारे दुखों से मुक्त होते हैं और परमानंद का अनुभव करते हुए इस गाने को सुनते हैं। ट्रैक प्लीज। आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है, आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। मुस्कुराता मन मेरा जैसे कोई फूल खिल, आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। ऐसा लगता अंबर से बरसती है झर झर किरणे, सुख शांति की किरणे आती समा जाती मेरी।
ऐसा लगता अंबर से बरसती है झर झर किरणे, सुख शांति की किरणे आती समा जाती मेरे मन में, अंतर मुस्कुराता मन मेरा जैसे कोई फूल खिलता है। आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। धड़कनों में लहरा रही मीठी मीठी याद तेरी, मिट गई जो मन में थी सारी वो फरियाद मेरी। धड़कनों मुस्कुराता मन मेरा जैसे कोई फूल खिलता है। आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मुस्कुराता मन मेरा जैसे कोई फूल खिलता है। आपकी याद में बाबा दिल को सुकून मिलता है। आपकी यादों में बाबा दिल को सुकून मिलता है, उस प्रेम का जैसे ही हम अनुभव करते हैं, उस आनंद का, उस सत्य का, उस किरण का, उस तेज का जैसे ही हम अनुभव करते हैं। और बहुत सारे अनुभव हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने हमें सौगात दी आज के दिन, खास करके कि आप भी मेरे तरह फरिश्ता बन जाओ और औरों को भी फरिश्ता बनाओ जी। और बाबा ने जो ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना जो शिव परमात्मा के कहने द्वारा करवाई, उससे आज लाखों लाखों लोगों का जीवन भी बदला है और हमारी दादियां आज फरिश्ता स्वरूप हैं, अनुभव कर रहे हैं और बन जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता नहीं बन सकते। वो कहते हैं ना, जब तक एग्जाम आप पास नहीं करोगे, डिग्री नहीं प्राप्त करोगे तो जॉब कैसे मिलेगा। तो ये भी नई दुनिया में जाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए फरिश्तों की, तो बाबा ने पहले करके दिखा दिया, अब हमको करना है। और साथ में ही आपके जो गाने हैं, दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि भाई जी के गाने सुनकर काफ़ी लोगों का भी जीवन बदला है और आगे आने वाले कुछ समय में हम और भी ऐसे गाने सुनते रहेंगे भाई जी से, हमारी सुर संध्या की टीम से, जिससे आपका मनोरंजन होता रहेगा। धन्यवाद भाई जी, आप हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। और मैं आकाश पांडे सुर संध्या की पूरी टीम की ओर से आशीष रथ भाई जी को, जो इस गाने के अरेंजर थे, सुधीर पाल भाई जी जिन्होंने इस गाने को म्यूजिक दिया, और रवीन चौधरी जी जो सेकंड गाने के लेखक थे, उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दर्शकों, ये था हमारा आज के अव्यक्त दिवस का खास कार्यक्रम। मिलते हैं अगले सप्ताह
नए किसी गायक गायिका और संगीतकार के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और नमस्कार।